हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए 3 न्यू MIUI 14 थीम्स लेकर आ गया हूँ। काफ़ी कुल थीम्स होने वाले हैं इस लिस्ट में और सभी के सभी यहाँ पर MIUI 13 एंड MIUI 14 कंट्रोल सेंटर सपोर्ट के साथ आते हैं, जिन्हें आप पोको रेडमी और Xiaomi डिवाइसेस में ट्राई कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप राइट इनटू इट। सबसे पहले हमारे लिस्ट में एक डार्क थीम जो कि कुछ इस टाइप की एक एब्स्ट्रैक्ट वॉलपेपर के साथ आता है। आप देख सकते हो आइकॉन्स की बात करें तो स्क्वेयर शेप में आइकॉन्स है जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं और यहाँ पर डायनेमिक आइकॉन्स मिल जाते हैं। मतलब आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस टाइप का एनिमेशन देखने को मिलता है आइकॉन्स में जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। और बात करें विजेट की, ये विजेट भी काफ़ी अच्छा लगता है। आप देख सकते हो वेदर इन्फॉर्मेशन के साथ आता है, साथ में इसमें सेकंड्स का काउंट भी देखने को मिलता है। देन बात करें कंट्रोल सेंटर की तो ये कुछ इस टाइप के कंट्रोल सेंटर के साथ आता है। काफ़ी यूनिक कंट्रोल सेंटर यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ट्रांसलूशन बैकग्राउंड मिल जाता है। और बात करें नोटिफिकेशन पैनल की तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का है। देन अगर हम जाते हैं यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर तो सिंपल व्हाइट बैकग्राउंड के साथ आता है ये थीम, और ये जो थीम है ये डार्क मोड को सपोर्ट नहीं करता। देन बात करें लॉक स्क्रीन की तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप की लॉक स्क्रीन के साथ आता है। यहाँ पर कुछ इस टाइप का एक वॉलपेपर मिल जाता है। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा वियर्ड देखने को मिलता है, एक मिनिमल लुक मिल जाता है। और अगर हम यहाँ पर टैप करते हैं तो हम लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले वॉलपेपर को चेंज कर सकते हैं, साथ में यहाँ पर हम वॉलपेपर को ब्लर भी कर सकते हैं, साथ में यहाँ पर डायनेमिक आइलैंड भी ऐड कर सकते हैं। और इसमें एक चार्जिंग एनिमेशन भी मिल जाता है जो कि कुछ इस टाइप का लगता है, आप देख सकते हो। बस इतना ही नहीं, अगर हम लॉक स्क्रीन पर स्वाइप करते हैं तो यहाँ पर लॉक स्क्रीन स्टाइल चेंज होता है। यहाँ पर डिफरेंट लॉक स्क्रीन स्टाइल्स दी गई है, आप देख सकते हो, इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो इस थीम का नाम है ब्लैक मैजिक बाय डिजाइनर MD कबीर, और इसकी चाहिए 24.9 MB। आपको थीम स्टोर पर मिल जाएगा, जाकर सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। अब आते हैं हमारे सेकंड थीम पे जो कि कुछ इस टाइप की एक कैट वॉलपेपर के साथ आता है। विजेट की बात करें तो आप देख सकते हो कुल विजेट यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर गारफील्ड का पिक्चर मिल जाता है विजेट में जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। साथ में यहाँ पर जो ग्लास डिजाइन में विजेट देखने को मिलता है ना, ये काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पर म्यूजिक कंट्रोल्स भी दी गई है इस विजेट में। और बात करें आइकॉन्स की तो आप देख सकते हो इस टाइप के डार्क स्क्वायरिश आइकॉन्स हैं जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं। देन बात करें कंट्रोल सेंटर की तो ये कुछ इस टाइप के कंट्रोल सेंटर के साथ आता है। यहाँ पर भी बैकग्राउंड में गारफील्ड का वॉलपेपर मिल जाएगा, साथ में यहाँ पर स्लाइडर में भी गारफील्ड का पिक्चर मिलता है, आप देख सकते हो। और नोटिफिकेशन पैनल की बात करें तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। देन अगर हम जाते हैं यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर तो ये कुछ इस टाइप के बैकग्राउंड के साथ आता है। यहाँ पर येलो कलर का टच देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर भी गारफील्ड का पिक्चर मिल जाता है। और अगर हम जाते हैं यहाँ पर पासवर्ड सिक्योरिटी के अंदर तो कुछ इस टाइप का लेआउट देखने को मिलता है। और बात करें वॉल्यूम कंट्रोल्स की तो आप देख सकते हो ये कुछ इस टाइप के वॉल्यूम कंट्रोल्स के साथ आता है। देन अगर हम जाते हैं यहाँ पर लॉक स्क्रीन पे तो यहाँ पर सिंपल सी लॉक स्क्रीन है, ज़्यादा कुछ फैंसी देखने को नहीं मिलता, एक कैट वॉलपेपर मिल जाता है मिनिमल विजेट के साथ। तो अगर आपको इस टाइप की हाईली कस्टमाइज्ड थीम्स पसंद है तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। थीम का नाम है ऑरेंज कैट बाय डिजाइनर मिस्टर इमाम 1992 और इसकी चाहिए 15.6 MB। याद रखना ये सिर्फ डार्क मोड में ही वर्क करेगा। अब आते हैं हमारे लास्ट थीम पे जो कि है ब्लू UI बाय डिजाइनर MD कबीर, और इसकी चाहिए 11.2 MB। होम स्क्रीन की बात करें तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप की होम स्क्रीन वॉलपेपर के साथ आता है। यहाँ पर जो विजेट है इसे हम कस्टमाइज कर सकते हैं, बट एक प्रॉब्लम है, अगर आपके फोन में पोको लॉन्चर है तो आप नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर स्वाइप अप करने पर विजेट चेंज होता है। बट हम पोको लॉन्चर में स्वाइप अप जेस्चर को डिसेबल नहीं कर सकते, सिर्फ MIUI लॉन्चर में होता है। तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का विजेट देखने को मिल जाता है, इसकी स्टाइल चेंज होगा अगर आपके पास MIUI लॉन्चर है तो। देन बात करें आइकॉन्स की तो काफ़ी अच्छे आइकॉन्स मिल जाते हैं स्क्वायर शेप में, और कुछ आइकॉन्स में यहाँ पर एनिमेशन भी देखने को मिलता है, आप देख सकते हो। मतलब यहाँ पर डायनेमिक आइकॉन्स मिल जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छी बात है। देन बात करें कंट्रोल सेंटर की तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप के कंट्रोल सेंटर के साथ आता है। और नोटिफिकेशन पैनल आप देख सकते हो डार्क मोड में कुछ इस टाइप का लगता है। देन अगर हम जाते हैं यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर तो डार्क मोड में कुछ इस टाइप का लगता है, आप देख सकते हो, सिंपल ब्लैक बैकग्राउंड के साथ आता है। और अगर मैं यहाँ पर स्विच करता हूँ लाइट मोड पे तो आप देख सकते हो लाइट मोड में ये कुछ इस टाइप का लगता है। और यहाँ पर जो वॉल्यूम कंट्रोल्स हैं ये भी थोड़े से चेंज हुए हैं।
देन अगर हम जाते हैं लॉक स्क्रीन पे, तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का ओपनिंग एनिमेशन देखने को मिलता है लॉक स्क्रीन में। साथ में एक ब्यूटीफुल विजेट भी यहाँ पर मिल जाता है, एक मिनिमल विजेट है। और अगर हम यहाँ पर स्वाइप करते हैं तो कुछ विजेट्स एंड शॉर्टकट्स मिल जाते हैं। और अगर हम यहाँ पर टैप करते हैं तो लॉक स्क्रीन का जो विजेट है ये चेंज हो जाता है। तो आपको दोनों में से जो भी पसंद हो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये थे 3 MIUI थीम्स जिन्हें आप ऑलरेडी में सभी डिवाइसेस में ट्राई कर सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और चलो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्माइलिंग। दिस इज चंद सुमन साइनिंग आउट।